गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पाठ 21 अभिकारी शब्द का पहला जो प्रकार है क्रिया विशेषण, इसका दूसरा भेद कालवाचक क्रिया विशेषण बताऊंगी। कालवाचक क्रिया विशेषण में शब्द को ही देखिए, काल, काल मतलब समय, यानी कि इस क्रिया विशेषण में, कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के समय का पता चलेगा। जब क्रिया के होने के समय का पता चले तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और इसमें जैसे आपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे लगाकर आपको पता चला था कि रीतिवाचक है, इसमें आपको कब लगाएंगे और उससे पता चलेगा कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। पहला उदाहरण, वह शाम को पढ़ता है, इसमें आप कब, कब पढ़ता है, शाम को, तो यानी कि जो शाम शब्द है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। पिताजी अभी बाजार जाएंगे, कब जाएंगे, अभी, तो अभी शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। किताबें प्रतिदिन पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। वर्षा निरंतर हो रही है, कब हो रही है, निरंतर, इसमें शाम, अभी, प्रतिदिन और निरंतर, ये चारों ही कालवाचक क्रिया विशेषण है। आप देखिएगा कि इन सभी में समय का ही पता चल रहा है, और जब क्रिया के होने के का समय पता चले तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। थैंक यू।